वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। WHO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भारत और युगांडा में नकली कोविशील्ड वैक्सीन पाई गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी इस बात की पुष्टि की है। वैक्सीन के नकली होने का पता इस पर लिखी जाने वाली जानकारी के न होने से पता चलता है। इसके अलावा 2 ml की नकली वैक्सीन भी पाई गई है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट इसका उत्पादन ही नहीं करती। सीरम इंस्टीट्यूट ने माना है कि यह वैक्सीन उसने नहीं बनाई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आपको लगने वाली वैक्सीन असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे की जाए। आइए जानते हैं। वैक्सीन लगवाने को लेकर सरकार द्वारा बताए गए अधिकृत तरीकों से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और किसी के झांसे में न आए। केवल कोविन ऐप या पोर्टल से ही वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करें। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन पर ही सारी सहूलियतें दी हैं। दूसरे किसी ऐप या वेबसाइट को न खोलें, न ही अपनी कोई जानकारी दें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद स्लॉट बुक करेंगे तब आपके पास एक OTP आएगा। इस OTP को वैक्सीन लगवाने से पहले स्वास्थ्य कर्मी को बताना होगा। ध्यान रखें कि अपने मोबाइल नंबर से अपने परिचितों का ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोविन एप्लीकेशन पर जाकर ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। हो सके तो वैक्सीनेशन के लिए सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही जाएं। अगर प्राइवेट सेंटर पर जा रहे हैं तो पहले पता करें कि ये अधिकृत है या नहीं। प्राइवेट वैक्सीन सेंटर भी कोविन पोर्टल पर होते हैं। आप कोविन पोर्टल या ऐप से ही प्राइवेट सेंटर पर भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। वैक्सीन लगने के 5 मिनट के भीतर ही आपको कंफर्मेशन मैसेज आता है और 1 घंटे में कोविन पोर्टल पर सर्टिफिकेट भी आ जाता है। मैसेज और सर्टिफिकेट आने की पुष्टि जरूर करें। यानी कोई आपको कहे कि आपको सर्टिफिकेट बाद में दिया जाएगा तो आप उसकी वजह जान सकते हैं। वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर एक QR कोड होता है जिसे स्कैन कर आप सर्टिफिकेट की असली या नकली की जांच कर सकते हैं। साथ ही सर्टिफिकेट पर आपका नाम, उम्र, वैक्सीन लगाने की तारीख और टाइम, वैक्सीनेशन सेंटर का नाम और जिस स्वास्थ्य कर्मी ने टीका लगाया है उसका भी नाम होता है। अगर इस जानकारी में कोई गलती या गड़बड़ी है तो तुरंत इसकी शिकायत करें। अगर आपको नकली वैक्सीन लगी है तो आपको कोई भी पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम नहीं होंगे, जैसे कि हाथ दुखना, हल्का बुखार आना या थकान होना। सामान्यतः वैक्सीन लगने के बाद 80% लोगों में इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। हालांकि ये आपकी इम्यूनिटी और वैक्सीन के प्रकार पर भी निर्भर करता है। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम आना भी हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन वैक्सीन लगने के 1 महीने के बाद आप खुद एंटीबॉडी टेस्ट भी करा सकते हैं। इस टेस्ट के जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है। आखिर में एक और बात कि वैक्सीन लगने के बाद आप वैक्सीन सर्टिफिकेट को हो सके तो सोशल मीडिया पर साझा ना करें, क्योंकि उसमें कुछ निजी डिटेल्स होते हैं। ये जानकारी आपको कितनी काम की लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही आपके हित से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।